हिजाब इशू पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने 15 मार्च 2022 10:30 बजे अपना जजमेंट जारी किया है। जजमेंट में कर्नाटका हाईकोर्ट ने यह कहा है कि हिजाब एसेंशियल इस्लाम में नहीं है और मैंडेटरी नहीं है। इस बुनियाद पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी लगाई है और हिजाब को बैन किया गया है। और दूसरी तरफ कर्नाटका हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भी स्टूडेंट्स तलबा हैं वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते और एतराज़ नहीं कर सकते हिजाब को लेकर, उनको यूनिफॉर्म के ऊपर चलना होगा। और तीसरी जानिब से जो भी पेटिशनर्स थे, उडुपी कर्नाटका गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल और वहाँ के लोकल MLA वाइस चेयरमैन के ऊपर कंप्लेंट दर्ज करवाया गया था, तो हाईकोर्ट ने उस कंप्लेंट को भी रद्द कर दिया है, उस कंप्लेंट को भी रिजेक्ट कर दिया है। और हाईकोर्ट ने साफ ये कह दिया है कि इस्लाम में हिजाब एसेंशियल नहीं है, इस्लाम में हिजाब मैंडेटरी नहीं है, इस्लाम में हिजाब अहम हिस्सा नहीं है, इस बुनियाद पर हिजाब को बैन किया जा रहा है और इस बुनियाद पर हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। एक तरफ से हाईकोर्ट को जो बयान देना था, जो जजमेंट देना था, वो हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है, लेकिन अब वो जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर आती है जो मुसलमानों की रहनुमाई की बड़ी बड़ी बातें करते थे और मुसलमानों के तहफ़ की बात करते थे और मुसलमानों की शरीयत की बार बार बात करते थे। अब जिस तरीके से इस्लाम में हिस्सा है या नहीं है ये मुसलमान ही जानता है, और वो लीडर जानते हैं जो हर वक्त वोट के नाम पर मुसलमानों के पास आया करते थे, वो भी जानते हैं कि कितना बड़ा अहम हिस्सा हिजाब है, क्योंकि इस्लाम ही सबसे बड़ी चीज़ मुसलमानों के लिए। जिस तरीके से हर मज़हब के मानने वाले के ऊपर ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो सबसे पहले अपने मज़हब के ऊपर चले, बाकी की दूसरी चीज़ें आती हैं, तो इसी तरीके से इस्लाम में भी सबसे पहला हिस्सा उसका इस्लाम, शरीयत, चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, जो शरीयत इस्लाम सिखाता है उसके ऊपर चलता है, उसके बाद उसके लिए दुनिया आती है। तो इसी तरीके से मैं इस वीडियो के ज़रिए से तमाम बरादरान वतन को और मुसलमानों को अपील करना चाहता हूँ कि हम अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखें। हाई कोर्ट के अंदर जो फैसला आया है हम सम्मान करते हैं हाई कोर्ट का, लेकिन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खुला है, हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। कोई भी कानून से हटकर, कानूनी दायरे से हटकर कोई भी गलत कदम ना उठाए, ये दुनिया है, दुनिया के अंदर हमें ये इख्तियारात, यानी हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ये इख्तियारात दिए गए हैं। अगरचे हमें सही तरीके का जजमेंट अगरचे नहीं मिलता कोई लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और जाकर हम अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि अपने शहर के अंदर, अपने स्टेट के अंदर पुरअमन पीस कायम रखें और शांति बरकरार रखें, और मोहब्बत का पैगाम लेकर हम कानूनी दायरे में रहते हुए जो कुछ भी हमसे हो सकता है हम वो लड़ाई लड़ेंगे।